सभी को जय श्री महाकाल। सारे भाई बहनों को जय श्री महाकाल। सारे देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने कुल देवी कुल देवता की पितृ शक्ति की सभी की जय हो। ठीक है, सभी के गुरुओं की जय हो, मनु भैया की जय हो। भाई मनु भैया को मैं दिल से मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हमारा झगड़ा वगड़ा पहले भी हो गया था, कोई बात नहीं है, लेकिन वही है, माफ़ी वगैरह मैंने मांग ली थी मनु भैया जी से। तो मैं किसी से यहाँ पे ना दुश्मनी करने के लिए नहीं आया हूँ। और ठीक है, मेरे लिए जो भी है ठीक है, मैंने गुरु मान लिया तो मेरे गुरु हैं। और मेरा मतलब हो सकता है कई बार जैसे गुस्सा आ जाता है तो मेरा स्वभाव ऐसा ही है, जैसे कि मान लो गुस्सा आ गया तो फिर मैं उससे माफ़ी भी मांग लेता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे छोटा बच्चा हो। तो सुनील भैया, ऐसी ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो गुस्सा आता है कई बार, जैसे कि मान लो, तो उस टाइम पे फिर कंट्रोल नहीं कर पाता मैं। ठीक है, तो आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि काफ़ी टाइम पहले कमेंट्स के अंदर, कि भैया ये प्रेतों का और गौड़ों का क्या रिलेशन है, यानी प्रेत और गौड़े। ठीक है, यानी मैं जो काम करता हूँ धोने के अंदर, जिसकी भी क्रिया होती है वो गौड़े से होती है। ठीक है, तो गौड़ा क्या होता है, जैसे कि ये भोग हम प्रेतों को नहीं देते हैं। कभी कोई भाई ये सोचे कि भैया जो गौड़ों का भोग देते हैं वो प्रेतों को देते हैं। ठीक है, तो प्रेत जो होते हैं एक प्रकार से ना, एक काला धुआं होता है। ठीक है, एक जैसे अपनी परछाई होती है ना, ऐसे ही काला धुआं टाइप से होता है, और वो बॉडी के अंदर हमारे समा जाती है, काफ़ी टाइम से हो जाती है, तो फिर वो हमारे को पीड़ा देनी स्टार्ट कर देती है। वो बोलते हैं ना कि शरीर के अंदर खून में रम गया, तो वो फिर पीड़ा काफ़ी टाइम बाद निकलता है। तो वो ऐसे ही है, जैसे कि ना, अगर मान लो हमारा पूरा शरीर रेत का भर गया है, ठीक है, मिट्टी में अगर हम लौट के एक बच्चा आ गया, अगर उसको अच्छे से आप नहीं धोओगे तो वो अच्छे से नहीं धोएगा। ठीक है, फिर भी वो रेत वगैरह अच्छे से वो फिर भी चिपा रह जाता है, अच्छे से नहीं धोओगे तो उसको। तो उसका एक वही सिस्टम है जो हमारे गुरुजी ने बता रखा है, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको जाप करना है उसके लिए, और जाप करोगे तभी जाके वो ठीक होते हैं कम्प्लीटली। और बंदे ये सोचते हैं कि भाई जिसको 25 साल से, जिस अगर 30 साल से उसको बीमारी है, वो बंदा सोचता है कि हम महीने 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। तो भाई सुनील भैया का कहना यही है कि वो बंदा ठीक नहीं होता जल्दी से, आए समझ में, उसको टाइम लगता है, टाइम लगता है, प्लस उसको मेहनत चाहिए तभी जाके ठीक होता है। ठीक है, अकेले ना तो सुनील भैया ठीक कर सकते हैं ना खुद कर सकते हैं, आए समझ। तो इसमें दोनों की मेहनत चाहिए तभी जाके बंदा ठीक होता है, ऐसे ठीक नहीं होता है। और मैं बता दूं कि जो भोग देते हैं हम, वो किसके देते हैं, वो हम अपने गणों का देते हैं। आप चाहे महाकाल धाम के दूत लगा सकते हैं, गण लगा सकते हैं, या फिर महाकाल जी का आप भोग लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। हम प्रेतों का भोग नहीं देते हैं, और ये एक परंपरा चली हुई है हमारे पीछे से ही। जैसे कि हमारे जो नाथ हैं, तो माता काली को उसने जब वो बलि वगैरह लेती थी कलकत्ता के अंदर, तो उसने गुरु गोरखनाथ जी ने उस टाइम पे वहाँ पे मंदिर में रुके थे, तो मंदिर में रुकने का तो माता काली ने उससे बलि मांगी थी, और उसने अपने सारे 10 जो दिशाएं होती हैं उनको बंद करके, अपने सारे शरीर के रास्तों को बंद करके, माता काली जब उसके अंदर चली गई थी मक्खी के रूप में, मक्खी बन के फिर वो गली उसके गुरु गोरखनाथ के शरीर में वो चली गई थी, तो वो उसके अंदर से उसको खाने लग गई थी। तो उसने अपने सारे रास्ते बंद करके, उसने अपनी योग माया से अपने शरीर के अंदर अपनी अग्नि, अपना तेज प्रज्वलित कर दिया था। इसके कारण उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगी अंदर ही अंदर माता काली को, इसलिए फिर उसने माफ़ी मांगी, और उसके बाद ये परंपरा स्टार्ट हुई। फिर उसने गुरु गोरखनाथ जी ने उसको नारियल का भोग प्रदान किया था कि तू नारियल के ऊपर, तो उसी से वो नारियल लगा लो, घोड़ा लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो उसी की भेंट स्वरूप हम देते हैं। आगे समझे, तो उसका हम देवी देवताओं को वो भोग हम उसको समर्पण करते हैं, उसको देते हैं। तो हमारे जो भी हैं गण हैं, अपने जो महाकाल धाम के दूत हैं, जैसे कि वीरभद्र, कालरात्रि, नंदी महाराज, जय विजय दूत महाराज, तो ये हमारे गण हैं। ठीक है, एक प्रकार से चाहे आप इनको गण लगा लो, चाहे मेरी सिद्धि लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो हम ये इनको भोग प्रदान करते हैं, और वो हम प्रे करते हैं, तो वो काम फिर उस टाइप से होता है। तो वो प्रेतों को वो खत्म करने का क्या है, उनकी पीड़ाएं खत्म करने का, हमारा हमें मत कुछ नहीं पता कि भाई कैसे ठीक होते, क्या होते, क्या नहीं होते, हमारा काम है खाली प्रे करना। आया समझ में? आप मैं इसको आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा,
आपको खाली यही पूछना था कि भैया घोड़े का और प्रेतों का क्या संबंध था, तो प्रेतों का इससे यही कुछ संबंध नहीं होता घोड़ों से भाई, ठीक है। तो वो हम वार के उससे, तो वो नेगेटिविटी एक प्रकार से हट जाती है जैसे हम घुमाते हैं, और तो वो भोग फिर उसको दूतों को लगता है। तो बस यही था, और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ बंदे, जैसे कि मान लो कुछ बंदे भाई मेरे से ना पीछे भी हट चुके हैं, ठीक है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम मैं किसी का पब्लिश नहीं करता, तो मानता हूँ मेरे से कुछ बंदे पीछे हट गए हैं भाई, कॉल मैसेज नहीं करते हैं। तो उनका रीजन मैं बता दूँ आपको, क्योंकि भाई देखो जिस बंदे के ऊपर बार बार क्रियाएँ होती है, ठीक है, तो बंदा भी जैसे कि आप मेरे पीछे पड़े रहोगे, आप पीछे पड़े रहोगे, आपके ऊपर बार बार क्रियाएं हो रही हैं, आपके पीछे तांत्रिक बिठा रखे हैं किसी ने, थर्ड सेकंड पर्सन ने, ठीक है, यानी एक बंदे का टारगेट हो गया कि आपको ख़त्म ही करना है ऐसे में। तो वो बंदा क्या करता है, अब जैसे कि सुनील भैया है, सुनील भैया के पास में बहुत सारे पेशेंट है, उसको सबको देखना पड़ता है। एक भैया अब एक एक पेशेंट के पीछे तो बिल्कुल बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसको सभी को संभालना है, सभी को संभालना है, तो सभी को संभालना है, तो भैया इतना टाइम नहीं दे पाता। हाँ ये है कि भैया जितना भी करता है उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा ऐसे में, लेकिन बार बार अगर आपके ऊपर क्रिया होती है तो फिर भैया क्या करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको एक रास्ता भी बताया है सभी को, कि भाई आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो सुनील भैया जो अपना कर्म होता है वो करता है, ठीक है, और लेकिन आपको एक रास्ता जरूर बताता है सुनील भैया, ऐसी बात नहीं है। उससे बचने के लिए ये नहीं है कि उसका कोई तोड़ नहीं है, तो उसका तोड़ है, लेकिन बेटे उसके लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो मैंने की भी है मेहनत। अब मैं मेरे पास इतना ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है हर बंदे का, तो मेहनत इतनी करते नहीं है। सुनील भैया किसके लिए कितना क्या जप करेगा ये बताओ। तो और जितना भी करता है फिर उसके बाद क्रिया पे क्रिया, क्रिया पे क्रिया, इतनी इतनी भयंकर चीजें छोड़ रहे हैं तांत्रिक। तो उनका एक टारगेट हो रखा है कि वो उनको बस उनको खत्म करना है, बस उनका टारगेट ये है। वो पांच पांच बंदे, चार किसी के पास पांच बंदे बैठे हैं, किसी के पीछे चार बंदे बैठे हैं, किसी के पीछे दो बंदे बैठे हैं। तो जब सुनील भैया खाली एक एक ही काम करता है, सुनील भैया सबका जाप करता है, टाइम निकाल निकाल के, टाइम निकाल निकाल के, और क्या होता है जैसे कि फिर पांच बंदे अगर पीछे बैठ जाएं तो फिर किसकी चलेगी, उनकी तो शिफ्टों में ड्यूटी चलती है बेटे। तो मैं यही कहूँगा, देखो भगवान के ऊपर विश्वास रखो, भगवान भगवान के आप ऊपर विश्वास रखोगे। अब मैं कहता हूँ कि आपको पीड़ा तो होगी, आपको पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ एक दिन आपका जरूर आएगा, भगवान आपकी जरूर सुनेगा। हो सकता है आपका लेवल उससे कम हो, ठीक है, लेकिन एक दिन उसके पापों का घड़ा भर जाएगा और आपके ऊपर देव कृपा जरूर होगी। और मैं कहता हूँ कि अगर आपने कंटिन्यू किया ना तो बेटे आपके ऊपर देव कृपा जरूर होगी। मैं ये कहता हूँ, मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू जाप करोगे ना तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपसे बच पाएगा, ठीक है, चाहे कितना ही बड़ा तांत्रिक हो। लेकिन बस थोड़ा सा ना अपना एक टाइम टेबल बनाओ, आप जाप करो कंटिन्यू, बस मैं यही कहूँगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि देखो बगैर जाप के कुछ नहीं है, लोग इतनी भयंकर भयंकर क्रियाएं करते हैं आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब आपके ऊपर कुछ लोगों की, जैसे मैं रक्षा कवच लगा देता हूँ, तो वो रक्षा कवच से क्या होता है, वो रक्षा कवच से डायरेक्ट चीज़ मेरे ऊपर आती है, ठीक है, तो फिर मेरे को उससे लड़ना होता है। तो हमारी उससे एनर्जी, जब हमारी उसकी एनर्जी भिड़ती है तो हमारे को पता चलता है कि कितनी हैवी हैवी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सुनील भैया को रात को भी पता चलता है कि भाई हाँ कितनी भयंकर चीज़ है ये, किसी का रक्षा कवच लगा के, तो वो चीज़ें हमारे को पता चल जाता है कि भाई ये है ये है। तो इतना इतने भयंकर झटके लगते हैं सुनील भैया को जब कोई चीज़ आती है, इतनी हैवी चीज़ आती है, ठीक है, तो झटके लगते हैं। मतलब जैसे कि उसकी एनर्जी, उसकी मेरी एनर्जी जब भिड़ती है तो हमारा एक वो होता है, ठीक है, एक बम ब्लास्ट बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो, ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट होता है तो वो पता चल जाता है, नींद खुलती है कि भाई हाँ ये क्या है, कहाँ से क्या चीजें हैं। तो मैं यही कहूंगा भाई अपना जॉब मत छोड़ो, ठीक है, चलो ठीक है, आप भैया सुनील भैया को छोड़ दोगे, सुनील भैया से बात करनी बंद कर दोगे, तो फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप जप मत छोड़ना। और मैं यही कहता हूँ कि हर बंदे का मैं जाप कर रहा हूँ, और
हर बंदे का जाप चलता है सुनील भैया के पास में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो पीड़ा आपको हो रही है, हम भी मानते हैं, सहन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? तो आप ये मान के चलो भगवान ने आपको जो भी हो सकता है, आपको भगवान ने क्या बोलूँ अब मैं, कुछ भी मतलब ये नहीं बोल सकता इसके बारे में। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि बेटे आप जप मत छोड़ना, जप आप करते रहो, और जप के बगैर कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर, ये एक जप ही है जो आपको बाहर निकाल सकता है, ठीक है? इन क्रियाओं से, इन तांत्रिकों से, ये जप ही है जो आपको बचा सकता है, क्योंकि आपका जब तक ओरा स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अगर आपका ओरा स्ट्रांग नहीं है तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर बार बार आपके ऊपर वार करेंगे, बार बार आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो आप अपना ओरा स्ट्रांग कीजिए और भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, तभी काम चलेगा। नहीं तो बेटे आगे आने वाले समय में ना इतना बुरा हाल हो जाएगा, इतना बुरा हाल हो जाएगा कि लोग ना कानून कानून से लड़ाई नहीं करेंगे आपके साथ में, तांत्रिकों से ही लड़ाई करेंगे। और मैं तो हर बंदे को ये कहता हूँ कि बेटे आप जाप करो, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे आप 10 साल के हो, चाहे आप 25 साल के, चाहे आप 50 साल के हो, है समझ में? तो आप सभी, मैं तो ये कहूँगा आप एक रूटीन बना लो, आधा घंटा भगवान को आप दो, आप आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को हर बंदा जाप करो, ताकि आपका ओरा स्ट्रोंग हो सके, कोई ना कल को कोई बाहर जाते हो, कोई भी आपके ऊपर दुष्ट आत्मा का कोई प्रभाव ना पड़े, आप सुरक्षित रहें। आज दुनिया के अंदर यही चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अभी मेरे पास पीछे एक हिसार की साइड से केस आया था, उसके जैसे कि ना खांसी आती है, खांसी के माध्यम से उसको मांस के टुकड़े आए थे, आए समझ में? तो वो क्रियाएं होती हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको कुछ नहीं बताता है, सारी रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल आती हैं, आए समझ में? तो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास में कि भाई मेरे को ये हो गया, डॉक्टर रिपोर्ट होती है नॉर्मल होती है, बिल्कुल कुछ नहीं बताते, और उसको समस्या रहती है, समस्या रहती है। मैं यही कहूँगा कि आप जप करो, आप ये मत सोचो कि हमें सुनील भैया के पास ही जाना है। मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी मंत्र पकड़ लो, अपने इष्ट देवता का, कुल देवी कुल देवता का जो भी है, आप उसको कोई भी किसी भी भगवान को पकड़ लो, हिंदुओं के अंदर भगवान की कमी नहीं है, तो आप उसी के पास पहुंचोगे। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, भगवान शिव है, तो उससे ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है, मैं तो मानता नहीं हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम एक ही है, ठीक है? तो उसी का वही परमात्मा है, और सुप्रीम कोर्ट वही है, सुप्रीम पावर वही है, तो उसी से हमें मोक्ष प्राप्त होगा, उसी से हम जो भी क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उसी से हम बच पाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, तो जिस जिस भाई को भी वीडियो अच्छी लगे कमेंट करें, जय श्री महाकाल। इतने व्यू आते हैं, इतने व्यू के माध्यम से अगर बंदा 1 सेकंड लगती है अगर जय श्री महाकाल लिख दो तो, ठीक है? और वीडियो को आप लाइक कर दिया करो जितना हो सके, और बर्थडे पे 29 जनवरी को आना ना भूले। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जो भी हम सेवा दे रहे हैं बाबा के उसमें, ठीक है, तो आप जरूर पहुँचे, और जिनकी क्रियाएं वगैरह होगी हम उनकी क्रियाएं वगैरह भी करेंगे, और दूर से जो बंदे आ रहे हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं धाम के अंदर। काफ़ी काफ़ी दूर से बंदे आ रहे हैं, जैसे करनाल हो गया, कोटा साइड से हो गया, और करनाल करनाल घरौंदा कोटा साइड दिल्ली, ठीक है? तो काफ़ी काफ़ी दूर से बंदे आएंगे, तो अपने पेशेंट तो यही है भाई, ठीक है? तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई कोई नहीं, आप 29 तारीख को पहुँच जाएँ, और केक का जो हमारा टाइम रहेगा 12 बजे के समथिंग हम दिन में केक काटेंगे, ठीक है? तो आप जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करें, और आप यहाँ आके काम में भी हाथ बटाएं, ऐसा नहीं है कि आप बाबूजी बन के तो बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आप काम भी कराएं, ठीक है? किसी को चाय वाय का है, जो भी है, आप सभी को एक क्या बोलते हैं वो, घुल मिल के काम करना चाहिए, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि जिसको खाना वाना बनाना है वो खाना बनाना, अपना खाना बना के अपना खा सकता है धाम के अंदर, क्योंकि भैया खाना नहीं बनाएंगे कभी, तो भैया खाना बनाएंगे, तो जिसको भी खाना वाना खाना है तो अपना बना के खा सकता है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी, और
सुनील भैया जी जो है केक की और गुलाब जामुन की सेवा, आपको गरम गरम गुलाब जामुन की सेवा देंगे, ठीक है, बर्थडे के अंदर से। तो कभी ये सोचो, तो अपना जो भी है सुनील भैया के ऊपर अपनी दुआएं और आशीर्वाद बनाए रखें। अभी बहुत सारे लोगों का कल्याण करना है, बहुत सारे लोग जुड़े भी गए, बहुत सारे लोग जाएंगे भी, ठीक है। तो सुनील भैया उनको टाइम भी बता देते हैं कि भाई तेरे को कब जाना है, क्या नहीं है। हर बंदे का बताता हूँ मैं, ये नहीं है तो हर बंदे का मैं टाइम भी जरूर बताता हूँ कि भाई तेरे का कितने दिन रहेंगे, क्योंकि एक टाइम होता है सुनील भैया के पास जुड़ने का और जाने का। क्योंकि जब वो नेगेटिव हो जाते हैं सुनील भैया के प्रति, तो मेरी सिद्धियाँ ऐसी हैं कि वो मेरे से अपने आप दूर कर देंगी बिना बताए। मतलब उनको पता तो चल जाएगा, मैं उनको हिंट दे देता हूँ, लेकिन वो चले जाते हैं फिर, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं यही कहूँगा, ठीक है। तो भैया के प्रति पॉजिटिव रहें, सुनील भैया के प्रति पॉजिटिव रहें, मैं यही कहूँगा, ठीक है। नहीं तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको महाकाल जो दरबार है वो आपको साइड कर देगा एक बार में। फिर आप सोचोगे कि सुनील भैया ने हमको ये कर दिया, फिर पीछे से गाली तो दोगे, तो वो गालियाँ मेरे को नहीं लगेंगी, वो गालियाँ तुम्हारे को ही लगेंगी। वो तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट जुड़ गया वो फिर वापस तुम्हारे पास ही जाएगा। आ गया समझ में? तो सुनील भैया को तुम्हारी गालियों से, तुम्हारी बददुआओं से मेरे को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं ठहरा महाकाल का भगत और घमंड मेरे अंदर है नहीं, ना मेरे अंदर अहंकार है। तो इसी के साथ में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। लाइक कर दे, कमेंट कर दे, ठीक है, शेयर कर दिया करो वीडियो को।